नक्सल हमले में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप सिंह के परिजन अब शहीद बेटी को सम्मान देने की गुहार लगा रहे हैं। जांजगीर जिले के कलतरा इलाके के सुनसरी गांव के रहने वाले सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप सिंह 30 अक्टूबर को बस्तर में माओवादी हमले में शहीद हुए थे। विधानसभा चुनाव से पहले मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के साथ उनके साथ जा रहे रुद्र प्रताप सिंह नक्सलियों के हमले के दौरान उन्हें बचाते हुए शहीद हुए थे, लेकिन इसके बाद सरकार की ओर से शहीद परिवार का सुध लेने कोई उनके गांव नहीं पहुंचा। इस परिवार का दर्द तब और बढ़ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में उस मीडिया कर्मी के घर परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे जो इस घटना में जान गंवा बैठे थे। शहीद सब इंस्पेक्टर के परिजनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बेटी की शहादत को सही सम्मान देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण शहीद रुद्र प्रताप सिंह के नाम से हो, उनकी प्रतिमा लगाई जाए और जांजगीर के कृषि महाविद्यालय का नामकरण भी शहीद रुद्र के नाम पर किया जाए। तो शहादत को सम्मान मिले ये गुहार परिजनों ने लगाई है। ऐसे वीर पुत्र को उत चले गए संसार, हम लोग परेशान हो गए हैं। हमारे कोई प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि, नेता लोग जरा भी डूब बांटने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बहुमुखी प्रतिभा थी उनमें, बचपन से ही कुछ अलग कर गुजरने की उसमें तमन्ना थी। बात बात में मुझसे कहा करता था, आज मेरा बेटा तो है नहीं, मेरे घर का इकलौता चिराग बुझ गया। अब और कुछ तो है नहीं हमारे पास, हमारे परिवार के पास, लेकिन उनकी जो शहादत का कम से कम उनको ये इनाम मिलना चाहिए कि उनका नाम जो है वो लोगों के बीच हमेशा के लिए अमर हो जाए।